नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के बोकारो अर्जुन हाडी को प्रदेश संगठन सचिव बनाया, हाडी जाति विकास मंच के लोगों में हर्ष। हाडी जाति विकास मंच के प्रदेश संगठन सचिव अर्जुन हाडी को बनाए जाने पर हाडी जाति विकास मंच के लोगों में हर्ष का माहौल बना हुआ है। अर्जुन हाडी जारंडी स्थित माँ बनासो मंदिर प्रांगण पहुँचे और दर्शन व पूजन किया। जन्हा हाडी जाति विकास मंच के बोकारो जिला कमेटी एवं बेरमो कमेटी ने भव्य रूप से स्वागत व अभिनंदन किया, जिस मौके पर संबोधित करते हुए प्रदेश सलाहकार एवं जिला निगरानी समिति के शैलेंद्र राम ने कहा कि हाडी जाति विकास मंच प्रदेश स्तर पर काफी मजबूत स्थिति बना रखी है। अगर आने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे तो जीत की भी संभावना जताई जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। आइए जानते हैं शैलेंद्र राम ने क्या कहा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट। क्या कुछ कार्यक्रम आज आयोजित किए गए? कार्यक्रम यही था, हाड़ी जाति विकास मंच हमारा झारखंड प्रदेश का बहुत मजबूत संगठन चल रहा है, जिसका निमंत्रण संख्या 457 है। उसमें श्री अर्जुन हाड़ी को जो पिछड़ी शारदा कॉलोनी निवासी जो ग्राम से लेकर जिला के बाद उनको प्रदेश में संगठन सचिव बनाया गया है। इसी कार्यक्रम में अर्जुन हाड़ी कल आज बनासो मंदिर में पूजा अर्चना किया है, जिसमें हमारे बोकारो जिला और बेरमो कमेटी ने उसको हार्दिक बधाई दी है। और हमारे हाड़ी जाति विकास मंच जो झारखंड प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ यह संगठन चल रही है, आने वाले MLA या MP का चुनाव जब होगा तो हम लोग भी दावेदारी के साथ प्रत्याशी हम लोग खड़ा कर सकते हैं।